जिम्बाब्वे और भारत के बीच तीन वनडे मैच की सीरीज 18 अगस्त से शुरू होगी। केएल राहुल को इस सीरीज के लिए कप्तान बनाया गया है। इस सीरीज में टीम इंडिया का पलड़ा भारी माना जा रहा है, लेकिन युवा भारतीय टीम के सामने जिम्बाब्वे अपने होम ग्राउंड में बुलंद हौसलों के साथ मैदान पर उतरेगी, क्योंकि हाल ही में उन्होंने बांग्लादेश को T20 और वनडे सीरीज में हराया था। इस सीरीज के लिए भारतीय टीम में सीनियर प्लेयर्स को आराम दिया गया है, जिस वजह से कई युवा खिलाड़ियों के पास खुद को साबित करने का मौका है। ऐसे में आइए हम बात करते हैं चार ऐसे खिलाड़ियों पर जिन पर एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप के पहले इस सीरीज में सभी की निगाहें होंगी। नंबर चार पर हैं दीपक चाहर, जो लंबे समय बाद टीम इंडिया में वापसी कर रहे हैं। नंबर तीन पर हैं आवेश खान, जो लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, लेकिन भारतीय टीम को उन पर भरोसा है और उन्हें लगातार मौके भी मिल रहे हैं। नंबर दो पर हैं दीपक हुडा, जो पिछले कुछ समय से अच्छे फॉर्म में हैं। और नंबर एक पर हैं केएल राहुल, जो लंबे समय बाद टीम इंडिया में वापसी करने जा रहे हैं।